हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माको विजिलेंस ऑफिसर को क्या सैलरी मिल रही है। जो लोग भी फार्माको विजिलेंस में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए कितनी सैलरी मिल रही है, फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं फार्माको विजिलेंस के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फार्माको विजिलेंस में क्या स्कोप है ये मैं बता चुका हूँ। अभी हम पर्टिकुलरली सैलरी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ हम अलग अलग कंपनीज में, चाहे वो नेशनल कंपनीज हो या सीआरओ हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो, उनके अंदर फ्रेशर्स को क्या सैलरी मिल रही है और एक्सपीरियंस जो 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है या 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस है या 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो वहां पर क्या सैलरी मिल रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को QR कोड शो कर रहा हूँ। जो भी ये QR कोड को आप स्कैन कर लें, अगर ये स्कैन करने से आप जो है हमारे WhatsApp चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम कंपनीज के नेम शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर TCS हो गया, उसके नीचे हम जो पोजीशन है आपकी, जैसे यहाँ पर फार्माको विजिलेंस एसोसिएट की जो सैलरी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके नीचे आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। यहाँ पर 0 to 6 ईयर मींस यहाँ पर ऑलमोस्ट जो सर्वे हुआ है, जो डाटा मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स हैं वहां पर काफी सारे लोग अपनी सैलरी फिल करते हैं, तो वहीं पर जो सैलरी सर्वे में उसी से मैं सारा डाटा लेकर आया। यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट लिखी हुई वो फ्रेशर के लिए मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस, और इधर मैक्सिमम एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर लगभग जो सर्वे हुआ उसमें 308 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पर सैलरी शो की हुई। तो देखिए TCS में फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट की सैलरी में जो है ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी क्या मिली है, 3.3 लाख रुपीस मिली। जो फ्रेशर है उसको 1.6 लाख मिली है और जो एक्सपीरियंस है उसको 6.5 लाख पर ईयर मिली। तो आप वीडियो को पॉज करके सभी जगह देख लीजिएगा, मैं आपको केवल एवरेज सैलरी बताऊंगा, बाकी सब जगह आप दोनों मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी दोनों ही देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वो कंपनीज है जो कि फार्माकोविजिलेंस की जॉब प्रोवाइड करती। जैसे जनरली सब लोगों को पता है कि TCS तो IT कंपनी, यहाँ पर तो BTech वाले ही जाते हैं, फार्मा वाले बच्चे अप्लाई नहीं करते या लाइफ साइंसेस वाले बच्चे अप्लाई नहीं करते। अब जाइए इसकी वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पर फार्माको विजिलेंस की जॉब भी है। बहुत सारी IT कंपनी है जहां पर की फार्माको विजिलेंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल है। पर्टिकुलरली फार्माको विजिलेंस, मेडिकल राइटिंग और ड्रग सेफ्टी, इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास सेकंड कंपनी एप्सर लाइफ साइंसेज। तो यहां पर जो एवरेज पैकेज मिला है वो 4.3 लाख रुपीस का मिला है। मिनिमम ईयर एक्सपीरियंस क्या था, 1 ईयर और 4 ईयर का एक्सपीरियंस था। 278 लोगों ने यहाँ सैंपल फिल किया था, ओके, और 2.8 लाख मिनिमम और 6.2 लाख मैक्सिमम जो 4 ईयर एक्सपीरियंस पर मिला था। हर एक कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, नेशनल कंपनी हो गई, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में भी वेरी करेगा। हम ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतना ही मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा, कुछ भी आप लोगों को मिल सकता है। बट एक आपको यहाँ इस वीडियो से एक अंदाजा लग जाएगा कि कितनी एवरेज पैकेज आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो विप्रो है। देखिए विप्रो भी IT कंपनी है, बट यहाँ भी फार्माको विजिलेंस एसोसिएट की जो जॉब है वो अवेलेबल है। यहाँ पर जो एवरेज पैकेज मिला है वो 3.2 लाख रुपीस मिला है। उसके बाद साइनियोस हेल्थ करके जो है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर एवरेज पैकेज क्या मिला है, 5.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। फिर उसके बाद क्विंशा सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो एवरेज पैकेज मिला है वो 5.1 लाख रुपीस मिला है। उसके बाद आप देखिए इर्गोमेड क्लिनिकल रिसर्च इंडिया है, ये एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर 6 to 8 ईयर एक्सपीरियंस में जो है आपको 13.5 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। फिर उसके बाद हमारी पास में आती है जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ फार्माको विजिलेंस ऑफिसर को जो मिला है वो 6.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर मिला है। फिर उसके बाद एस्ट्राजेंशिया है, तो एस्ट्राजेंशिया मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 55 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। तो काफी अच्छा पैकेज एस्ट्राजेंशिया दे रही है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 5+ ईयर एक्सपीरियंस पर अच्छा पैकेज यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिल रहा है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट पोजीशन निकलती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस को 4.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। एटॉस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी जो है 2.6 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर गया है। उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निजेंट, जो कि बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट को 4.8 लाख रुपीस का पैकेज, एवरेज पैकेज यहाँ पर
मिला है। इंडियन फार्माकोपोपुलर कमीशन, इससे पहले भी हम देख चुके थे पर वहां एक्सपीरियंस का रेंज अलग था, 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस था। अब यहाँ फ्रेशर से लेकर 6 ईयर एक्सपीरियंस तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एवरेज हमारा बदल गया, 3.6 लाख रुपीज एनुअल पैकेज हो गया। उसके बाद हमारे पास में एक्सेंचर कंपनी आती है, तो ये भी काफी फेमस कंपनी है, आईटी कंपनी है, और यहाँ पर एवरेज पैकेज मिल रहा है 4.2 लाख रुपीज। फिर आईक्यूविया है जो कि काफी नॉन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 0 to 6 ईयर एक्सपीरियंस पर यहाँ पर 4.4 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज मिल रहा है। काइनेप्स है, काइनेप्स में लोअर साइड में 2.1 लाख रुपीज और हायर साइड में 5.6 लाख रुपीज एनम का पैकेज मिल रहा है। ये भी एक काइनेप्स भी है। केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। देखिए एक्सेंचर सॉल्यूशन नोवार्टिस है, मींस एक्सेंचर सॉल्यूशन नोवार्टिस के लिए जो वर्क करती है उसमें मेडिकल रिव्यूअर पर्टिकुलरली फार्माको विजिलेंस के अंदर 6 ईयर एक्सपीरियंस पर 18 लाख रुपीज का पैकेज यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर हम इस स्लाइड में हम हायर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जब आपको हायर एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहां आपको कितनी सैलरी मिल रही है। उसके बाद हमारी कंपनी इन्वेंटिव हेल्थ, और वहां पर ग्लोबल सेफ्टी फार्माको विजिलेंस फिजिशियन को जो है 7 ईयर के एक्सपीरियंस पर जो है 16.6 लाख रुपीज का पैकेज मिला है। फिर उसके बाद एसेंचर है, इसमें एसेंचर की हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर पहले हमने कम एक्सपीरियंस की बात की थी, अब हम 9 ईयर एक्सपीरियंस पर बात कर रहे हैं, तो 17.5 लाख रुपीज का यहाँ पर पैकेज मिला है। उसके बाद हम इंडिजीन बेंगलोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 10 ईयर एक्सपीरियंस पर 13 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। फिर टीसीएस बीपीओ जो है वहां पर 13 ईयर एक्सपीरियंस पर जो है 20 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। एंड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, वहां पर 18 ईयर एक्सपीरियंस पर 29 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। उसके बाद हम शिल्पा मेडिकेयर की बात करते हैं, तो शिल्पा मेडिकेयर में 3.8 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। एसेंचर और आईक्यूवीआई की हम पहले बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अलग है, यहाँ पर आईक्यूवीआई 4 to 8 ईयर एक्सपीरियंस पे 8.9 लाख रुपीस हमें मिल रहा है, और एक्सेंचर में 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस में 6.1 लाख रुपीस में। बेसिकली हम दो बार बात कर चुके हैं तीन कंपनीज की, बट यहाँ पर जो भी सैलरी सर्वे था उसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग था, इसीलिए एवरेज अलग अलग आ रहा है। उसके बाद हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो यहाँ पर 3.8 लाख रुपीस का पैकेज मिल रहा है फ्रेशर्स को, और यह हम कह सकते हैं एवरेज सैलरी है। फिर उसके बाद विप्रो का ही एक सिस्टर कंसर्न है, विप्रो जीई हेल्थ केयर, वहां पर 3.5 लाख रुपीस का पैकेज हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो प्रोडक्ट लाइफ ग्रुप है, और यहाँ पर 4.3 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस पे, तो एक अच्छी शुरुआत दे रहा है इनिशियल सैलरी में ही, इनिशियल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में, मतलब 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस में 4.3, तो अच्छी हम कहेंगे। इवोलेट हेल्थ केयर है, 3 लाख रुपीस का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है। उसके बाद फोर्ट्रिया डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर 3 to 7 ईयर एक्सपीरियंस में 6.6 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज मिलता है। उसके बाद मार्क्सन्स फार्मा है, मार्क्सन्स फार्मा में 3 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज मिला है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर को। देन एपोटेक्स रिसर्च करके एक कंपनी है, यहाँ पर 4.5 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज मिला है। अगर हम एवरेज एनुअल सैलरी की बात करें बाय एक्सपीरियंस, तो 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस पे जो है 3.5 लाख रुपीस के एवरेज पैकेज की हम बात कर रहे हैं। एनुअल जो पैकेज मिल रहा है वो 3.7 लाख मिल रहा है, और अगर हम 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पर देखें तो 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पे ऑलमोस्ट जो है आप ये देख सकते हैं 10 टू 11 लाख रुपीस जो है 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पर मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के बारे में मैंने जो सैलरी रेंज बताई वो आपको समझ में आएगी कि फार्माको विजिलेंस में करियर में ग्रोथ कितनी है। देखिए मैंने आप लोगों को बीच में बताया भी था कि एक किसी कंपनी में 55 लाख रुपीस भी हमें मिल रहे थे, तो काफी अच्छी सैलरी भी हमें मिल सकती है। जितना आप कंपनी अलग अलग कंपनी चेंज करते हैं, मूव करते हैं, किसी कंपनी में दो तीन साल रुकने के बाद में जब आप मूव करते हैं, जंप लेते हैं अलग अलग कंपनी में, तो आपको जो है 20 to 30% हाइक मिल जाता है, कभी कभी 30 to 40% भी हाइक मिल जाता है। तो एवरेज जो है 20 to 40% के बीच में रहता है हाइक मिलना, तो जितना आप जो है अलग अलग कंपनी में स्विच ओवर करेंगे तो उतना सैलरी आपको हाइक मिलता रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने 6 मंथ ही जॉब किया और उसके बाद ही छोड़ दिया, एटलीस्ट आप किसी कंपनी में 1.5 साल 2 साल अगर आप रुके हैं और उसके बाद फिर मूव करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा किस कंपनी में किस तरह से वर्क करते हैं, और आगे फर्दर आपका करियर की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो नो डाउट फार्माकोविजिलेंस में जो फार्मेसी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है करियर ऑप्शन अवेलेबल है, पर्टिकुलरली फार्माकोलॉजी के जो बच्चे हैं जो एम फार्म फार्माकोलॉजी करते हैं तो वो फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये जो भी डाटा मैंने आप लोगों को शो किया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।